लाइक इट? नमस्ते दोस्तों, एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये रूही की न्यू लुक्स है। एनीवेज, लास्ट वीक आप लोगों का कैसा गया? थैंकफुली हमारा ठीक था। छोटी छोटी खुशियां छोटे पैकेट्स में आई। किचन में लाइट्स इंस्टॉल किया और आइकिया से मैंने थोड़े बहुत सामान मंगवाए थे, उसकी डिलीवरी हुई। तो हाँ, हैप्पीनेस इन स्मॉल पैकेट्स अराइव्ड होम। आज अनबॉक्स करने का टाइम हुआ। प्रोडक्ट सही सलामत डिलीवर होते हैं तो उसकी खुशी अलग ही होती है। इसमें कुछ अमेज़न के प्रोडक्ट्स भी हैं। जैसे ये बॉटल, इसमें मैं फैब्रिक लिक्विड वॉश रखती थी बट वो बॉटल टूट गया तो उसे बदलने का टाइम आ गया था। ये बुक एंड, इसको अलग पर्पस से लेके आई हूँ मैं। दिस वुडन स्पून काफ़ी क्लासी है बट इंडियन कुकिंग के लिए पता नहीं कितनी हेल्पफुल होगी, क्योंकि मेन कल्प्रिट तो हमारा हल्दी पाउडर है। ये सिलिकॉन स्पैटुला, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी ग्राइंडर से वेट मसाले निकालने के लिए, क्योंकि स्पून से अच्छे से आज तक मैं नहीं निकाल पाई। कुछ फर्निशिंग्स भी ऑर्डर किया है, उसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। होप ये कलर टोन मेरी थीम के साथ मैच हो जाए। और ये कुकीज बॉक्स विथ लिड ऑर्डर किया था टू टैकल द मेस जोन इन माई किचन। इस महीने मैंने कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर लिया है, पर जगह पे चीज़ें ना हो तो मुझे उलझल होने लगती है। ये टॉवल रैक रेगुलरली यूज़ किए गए किचन टॉवल्स को जगह पे रखेगी। सो दिस इज़ अनदर एडिशन फ्रॉम अमेज़ॉन। आज मुझे एक और काम निपटाना था। इस घर के किचन के टाइल्स में मेरी जान बसती है और इंडियन कुकिंग में आपको तो पता ही है कितनी गंदगी होती है। तेल के छींटे, हल्दी के स्टेन्स, अगर तुरंत ध्यान ना दो तो ये चिपक जाते हैं और फिर मेहनत बढ़ जाती है। पर मैंने इसका एक सलूशन ढूंढ लिया है। पर उससे पहले मुझे ये एरिया क्लीन करना है। इंस्टॉल करने से पहले मैं यहाँ क्रॉस चेक कर रही हूँ कहीं इसमें कुछ दाग तो रह नहीं गया। टिपिकल बिहेवियर ऑफ माइंड। मैंने अमेज़ॉन से ये ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑर्डर किया था। ये ट्रांसपेरेंट फिल्म अब मेरे टाइल्स को प्रोटेक्ट करेंगी और क्लीनिंग भी आसान से हो जाएगा। किचन के टाइल्स मेरे मैट फिनिश के हैं तो मेंटेनेंस ज़्यादा है इसका, पर होपफुली अब और नहीं होगा। मेन कुकिंग एरिया को इस फिल्म से सिक्योर कर लूंगी। वेल, मुझे रियलाइज हुआ मुझे दो और रोल्स मंगवाने चाहिए थे। 3 फीट वाइड और 2 फीट हाइट का एरिया अगर कवर करना है तो 2 सीट्स लग ही जाएंगे। मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हुई पर मेरे वर्किंग एरिया कवर हो गए। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा बट माई जॉब इज डन।
स्टिकर को बड़े ध्यान से लगाना होता है ताकि बबल्स ना रह जाए, बट मैं इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, थोड़े बबल्स रह ही गए। जब घर का लॉन्ग पेंडिंग टास्क खत्म होता है तो दिल को सुकून मिलती है। यहाँ इतनी गर्मी है कि इतना काम निपटाने में ही मेरी हालत खराब हो गई। लंच भी बनाना बाकी है पर मुझे एक अच्छे शावर की जरूरत थी। बस मैं शावर लेके लंच बनाने में लग गई। आज मैं मशरूम की एक नई रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। एक वक्त था जब कुकिंग के नाम से मुझे डर लगने लगता था, ओवरथिंकिंग जोन में चली जाती थी मैं। तब मुझे कुकिंग टास्क लगता था क्योंकि जिम्मेदारी उतनी थी नहीं। धीरे धीरे जैसे दिन बीतने लगे, जैसे मैं ज्यादा वक्त गुजारने लगी किचन में, मेरा कुकिंग को लेकर नजरिया बदलने लगा। वेल, पहले मैं रूही की फरमाइश पे आज चिकन पकौड़ा बनाने वाली हूँ, तो मैं मैरिनेट करके रख दूंगी ताकि चिकन अच्छे से फ्लेवर्स अब्सॉर्ब कर ले, और खाने के टाइम में इसे गरम गरम तलूंगी। ये मेरे घर में वीकली एक बार बनता ही है क्योंकि रूही को बहुत पसंद है ये और मेरी भी फेवरेट है। बहुत ईजी होता है इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर डूइंग। मैंने पहले भी इसकी डिटेल रेसिपी शेयर की है, आप चाहें तो मेरे कुकिंग वाले प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। वेल, अब वेज की डिश बना लेते हैं। मशरूम्स को मैं यहाँ चॉप कर रही हूँ, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है, चार से छः पीसेस करें बस। पहली बार ट्राई करी हूँ, पता नहीं इनको टेस्ट कैसे लगेगा, बट आई विल मेक इट विथ लव। मैंने यहाँ 1.5 प्याज लिया है 2 पैकेट मशरूम्स के लिए। अनियंस को पतला पतला यहाँ कट कर रही हूँ क्योंकि इसकी बरिस्ता बनानी है। कढ़ाई में सैलो फ्राई करूँगी मैं अनियंस को मीडियम फ्लेम में। पहले डीप फ्राई करती थी पर मोस्टली एक स्टेज के बाद जल जाता था, तो जब तक मशरूम्स को प्रेप करूंगी तब तक मेरी बरिस्ता भी रेडी हो जाएगी। मैरिनेट करते हैं फिर मशरूम्स को। 1 टीस्पून अदरक ग्रीन चिली का पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन मसाला। अब हमारा बरिस्ता भी रेडी है, इसे ठंडा होने के बाद दरदरा पीसना है। बस अब इस बरिस्ता पेस्ट और नमक स्वाद अनुसार डाल के मैं इसे अच्छे से मसालों से कोट करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब उसी पैन में मैंने होल स्पाइसेस को सॉर्ट किया और मैरिनेटेड मशरूम्स को ऐड करके ढक के 15 से 20 मिनट के लिए पकाया मीडियम आंच पे। कुकिंग में इंटरेस्ट लाने के पीछे कहीं ना कहीं रूही का हाथ है।
सुबह उठ के रूही की पहली क्वेश्चन होती है, मम्मा आज खाने में क्या है? और उसकी यही एक सवाल में उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी खुशी सब फील कर लेती हूँ मैं। जो खुशी उसके आंखों से झलकती है उसे इग्नोर करना किसी भी माँ के लिए मुश्किल है। मशरूम से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बीच में इसको चलाना पड़ता था, मशरूम्स पानी छोड़ते हैं तो मैं बिना पानी के इसे बनाई हूँ। वेल, रूही का वो एक सवाल मुझे दिन ब दिन और जिम्मेदार बना रही है। टू बी ऑनेस्ट, मेरी कुकिंग जर्नी का मोटिवेशनल लाइन वही है। शक्ति भी खाने के शौकीन है। अब जब दो दो लोगों को मेरे हाथों का खाना चाहिए तो उससे मैं कैसे बच सकती हूँ? इस बात की तसल्ली है कि मैं पहले से बेहतर बनती जा रही हूँ और जिम्मेदारी लेने से डर नहीं लगता। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। और हाँ, एडवांस हैप्पी मदर्स डे टू ऑल माय वर्चुअल ट्राइब हियर। सी यू ऑल सून, बाय बाय।